नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र के टॉप 25 बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन नहीं, ऑन द स्पॉट ठगी। बुजुर्ग से गेम खेलने के बहाने लेते थे मोबाइल। 2 महीने में गूगल पे से पार किए 22 लाख रुपए। बारिश के साथ संक्रामक रोगों ने दी दस्तक मुंबई में। 33 डेंगू के तो 11 लेप्टोस्पायरोसिस के मरीज मिले। बीजेपी विधायक ने लिखा पत्र। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में निकाली शिव संवाद यात्रा। भिवंडी की रैली में कहा, मैं नए सिरे से शिवसेना बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। बीजेपी नेत्री ने महिला के साथ होटल के अंदर का वीडियो किया शेयर। पटोले बोले, इस पर लीगल एक्शन लूंगा। एक दो नहीं, अब 188 नेताओं पर एकनाथ शिंदे की नजर। उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना को हाईजेक करने की तैयारी। इंस्टा के जरिए दहशत फैला रहा था तलवार भाई, पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ा। उद्धव सरकार गिरने के बाद शरद पवार का एक्शन। एनसीपी के राष्ट्रीय स्तर के कई विभाग भंग। मैं जहां जाता हूं वही मेरा मंत्रालय बन जाता है, बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। शिवसेना के बागी सांसद राहुल शेवाले बोले, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव चेहरा नहीं। आरे में ही होगा मेट्रो कार शेड का निर्माण। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के फैसले को पलटा। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बताया अवैध। एमएलएस एमपीस ने मुंह फेरा तो उद्धव ठाकरे को सदस्यों से आस। मांगे वफादारी के 50 लाख शपथ पत्र। शिवसेना को संजय राउत ने तोड़ा। रामदास आठवले बोले, उद्धव ठाकरे को नहीं करना चाहिए था एनसीपी से गठबंधन। समय पर पूरी होगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। फडणवीस ने जापानी अधिकारियों को दिया भरोसा। उद्धव ठाकरे का मराठी वोट बंटा तो याद आए उत्तर भारतीय। जारी है बीएमसी बचाने की जुगत। शिव संवाद यात्रा में बोले आदित्य ठाकरे, हमने राजनीति नहीं की, यही हमारी गलती। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता हर्षवर्धन पलांडे पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। डीडी सह्याद्री पर मराठी में ही दिखाए जाने चाहिए प्रोग्राम। दूरदर्शन को राज ठाकरे ने लिखा पत्र। कोरोना के बाद अब मुंबई में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू, हो जाएं सावधान। 4 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 मंजिला इमारत जब्त। शिंदे सरकार ने त्योहारों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए। गणेश उत्सव, दही हांडी व मोहर्रम पर कोई रोक नहीं। सिर्फ बांस पर टिके हैं समुद्र में बने गरीबों के आशियाने। मुंबई में अतिक्रमण जमीन से लेकर समुद्र तक फैला। नदी के पानी से डूबे पुल को जान हथेली पर रखकर पार कर रहे हैं स्टूडेंट। महाराष्ट्र के नाशिक की घटना। मुंबई पुलिस ने जब्त की 2.67 करोड़ की वेल की उल्टी। लोकल ऑटो सफर का दिखावा। मुंबई पुलिस को सचिन वाजे से ज्यादा बदनाम कर गए संजय पांडे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए एंटी करप्शन न्यूज के साथ।